हेलो गाइस, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर राज, और आज हम लेके आए हैं वर्ल्ड की टॉप 5 ऐसी मूवी जिसने बॉक्स ऑफिस को हिला के रख दिया है। इन सभी मूवी में दिखाया गया है कि कैसे धरती का विनाश हो जाता है और लोग अपनी लाइफ के साथ कैसे सर्वाइव करते हैं, ये सब इसमें दिखाया गया है। इन सभी मूवी को हमने उनकी IMDb रेटिंग, गूगल लाइक्स और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से इसे टॉप 5 सीरीज में एंट्री दी है। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो इन सभी मूवी की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्ट देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नंबर 1 पे है सैम एंड्रेस। इस मूवी में आपको एक्शन ड्रामा के साथ साथ थ्रिलर भी देखने को मिलेगा। इस मूवी के डायरेक्टर है ब्रॉड पेटन, और इस मूवी की कास्टिंग है डायमंड जॉनसन यानी कि द रॉक, एलेक्सेंडर डाडरियो, कार्लो ग्यूगिनो, पॉल जियामट्टी जैसे नामी कलाकार देखने को मिलेंगे। इस मूवी को बहुत ही जबरदस्त बनाया गया है, जिसके कारण ये जबरदस्त हिट भी रही थी। मूवी में दिखाया गया है कि समुन्द्र में भूकंप के कारण धरती पर सभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धूल में मिट जाती है। बाद में वही भूकंप के कारण समुन्द्र का सारा पानी शहरों में घुस जाता है, और लोग अपनी लाइफ के साथ कैसे सर्वाइव करते हैं और इससे बचने के लिए क्या क्या करते हैं, वो सब इस मूवी में दिखाया गया है। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मूवी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो, वो भी हिंदी में। ये मूवी 28 मई 2015 को रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 6.1 की रेटिंग मिलती है, और इस मूवी को 84% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। मूवी का टोटल बजट $110 मिलियन था, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $474 मिलियन की कमाई करके वर्ल्ड की टॉप 5 मूवी में नंबर 1 पे अपना स्थान ले लिया है। इसके बाद नंबर 2 पे है द इम्पॉसिबल। इस पूरी मूवी में आपको एडवेंचर के साथ साथ ड्रामा भी देखने को मिलेगा, और इस मूवी में एक फैमिली कैसे अपनी लाइफ के साथ सरवाइव करती है वो इसमें दिखाया गया है। ये एक स्पेनिश मूवी है जिसे J.S. बायन ने इसे डायरेक्ट किया है। मूवी की कास्टिंग है नोमी वॉट्स, टॉम हॉलैंड, इवन मैकग्रेगर, ओकले पेंडरगेस्ट जैसे नामी कलाकार देखने को मिलेंगे। ये मूवी 2004 में आई सुनामी पर बनाई गई है, कि कैसे एक खूबसूरत परिवार बीच पे अपना वेकेशन मनाने के लिए गए थे, और अचानक समुद्र का पानी आ जाने से फिर वो फैमिली कैसे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और कैसे फिर से वो सब मिलते हैं, वो इस मूवी में दिखाया गया है। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फैमिली ड्रामा है, तो आपको एक बार तो ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। इस मूवी की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी हिंदी में। ये मूवी 4 जनवरी 2012 को रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 7.6 की रेटिंग मिलती है, और 88% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी का टोटल बजट $45 मिलियन था, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $198.1 की कमाई करके वर्ल्ड की टॉप 5 मूवी में नंबर 2 पे अपना स्थान ले लिया है। इसके बाद नंबर 3 पे है पोसाइडन। इस मूवी में आपको एक्शन के साथ साथ एडवेंचर ड्रामा भी देखने को मिलेगा। इस मूवी को वोल्फगैंग पीटरसन ने डायरेक्ट किया है। मूवी की कास्टिंग है कर्ट रसल, जोस लुकास, इमान रुसल जैसे नामी कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। इस मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि एक बड़ा सा शिप दिखाया जाता है, जोरों शोरों से पार्टी हो रही थी, तभी अचानक समंदर के नीचे कुछ हलचल होती है, जिसके कारण समंदर में बड़ी बड़ी लहरें उछलती है, और ये बड़ी लहरें उस शिप को कैसे अपने अंदर ले लेती है, वो सब इस मूवी में दिखाया गया है, और लोग यहाँ से वहाँ कैसे अपने लाइफ से सरवाइव करते हैं, वो सभी इस मूवी में दिखाया गया है। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। ये मूवी 12 मई 2006 को रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 5.7 की रेटिंग मिलती है, और 88% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी का टोटल बजट था $160 मिलियन, और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $181.7 मिलियन की कमाई करके हमारी टॉप 5 मूवी में नंबर 3 पे अपना स्थान ले लिया है। इसके बाद नंबर 4 पे है द डे आफ्टर टुमारो। इस मूवी में आपको एडवेंचर के साथ साथ एक्शन ड्रामा भी देखने को मिलेगा। इस मूवी को रोलैंड इमेरेस ने डायरेक्ट किया है, और मूवी की कास्टिंग है डेनिस क्वाइट, जैक गैलेनहेल, इमी रोसम, सेला वॉर्ड जैसे नामी कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। इस मूवी में दिखाया गया है कि समुन्द्र के अंदर अचानक भूकंप के कारण समुद्र का सारा पानी शहरों में घुस जाता है, जिसके कारण पूरे शहर में पानी भर जाता है। बाद में खराब मौसम के चलते ये पूरा पानी बर्फ में
जम जाता है। इतनी बड़ी तबाही के बाद जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ही वो बर्फ पिघलने लगता है और लोग अपनी लाइफ के साथ कैसे सरवाइव करते हैं वो सब इन मूवी में दिखाया गया है। ये मूवी भी बहुत मजेदार है, एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। ये मूवी 28 मई 2004 को रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 6.4 की रेटिंग मिलती है और इस मूवी को 87% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। मूवी का टोटल बजट था $125 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $552.6 मिलियन की कमाई करके हमारी टॉप 5 सीरीज में नंबर 4 पे अपना स्थान ले लिया है। नंबर 5 पे है 2012। ये मूवी साइंस फिक्शन और एक्शन ड्रामा पर बनाई गई है। इस मूवी को भी रोलैंड इमेरिन ने डायरेक्ट किया है और इस मूवी की कास्टिंग है जॉन कुसल, वुडी हैलरसन, अमांडा पीट जैसे नामी कलाकार देखने को मिलेंगे। तो चलो मूवी की थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। ये मूवी तो शायद आपने देखी होंगी क्योंकि किसी ने ऐसी भविष्यवाणी की थी कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं, अभी 2022 चल रहा है। खैर चलो मूवी की ओर। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे धरती का विनाश होता है, कैसे एक के बाद एक शहर धूल में मिटा जा रहा है और पूरी धरती पानी में समा जा रही है और दिखाया जाता है कि लोग बचने के लिए क्या क्या प्लान करते हैं और कितना आगे पीछे भागते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये सभी मूवी एक बार तो आपको जरूर देखनी चाहिए। इन सभी मूवी की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा जहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हैं और वो भी हिंदी में। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई थी। IMDb रेटिंग पर इस मूवी को 10 में से 5.8 की रेटिंग मिलती है और इस मूवी को 83% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। मूवी का टोटल बजट था $200 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में इस मूवी ने $166.1 मिलियन की कमाई करके हमारी टॉप 5 सीरीज में नंबर 5 पे अपना स्थान बना लिया है। तो दोस्तों आप बताइए कि इन 5 मूवी में से आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है और आपने कौन सी मूवी कितनी बार देखी है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपकी कमेंट का इंतजार करेंगे और आगे हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे हम कौन सी वीडियो लेके आए। और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू सो मच।